तेरे टिकटॉक लिए बनाते हुए पकड़ाएंगे युवा मेरा सफर तेरे बिना मजा किधर। सो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हंसाओ मत ले। Hey, what is up YouTube? This is Zafir Romeo Khalko और आपके चैनल पे स्वागत है आप ही का। और बहुत दिन के बाद दिख रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं बताऊँगा क्यों, क्या, कैसे, वो वट एवर बाद में बताऊँगा। सो राइट नाउ मैं हूँ अपने पुराने भाई बहन लोग के साथ और हम जा रहे हैं आज मस्ती करने के लिए। सो सोचा कि व्लॉग बना ही लेता हूँ, बहुत दिन से नहीं बना रहा था। सो मेरे पीछे है जे एम के वाइन्स जूलियस, इधर है निखिल दा, बुलेट वाला पर्सन है, बुलेट हाथी पालते हैं। पीछे है ओ हाय मैगी, ऐसे करते निकल गए। अरे हमारी जैकलिन, आंख मारे लड़की आंख मारे, थॉर का ही का दिखा रहे थे। चलो ठीक है, सो मिलते हैं आगे, एंजॉय द सिनेमैटिक वी रोल। ये है द यस लेट लतीफ इंसान। तो यस आज क्या करेगा, व्हाट्स योर प्लान ब्रो? आज हम लोग करेंगे तूफानी। एमसी लाइफ गर्ल यू नो यू गॉट मी फीलिंग स्टूपिड राइट नाउ। तो हम लोग चलते चलते थक गए हैं और वाटरमेलन खाने के लिए रुके हैं। हियर इज द वाटरमेलन, 20 रुपए का वाटरमेलन, 1 केजी ना, 1 केजी मिल रहा है 20 रुपए। चलो हम खाए तो पता हैंग से फूल गया था पूरा। ये रहा टेस्टी टेस्टी पाइनएप्पल, सॉरी क्या है, वाटरमेलन, वाटरमेलन खा ले दोस्त। वाटर भैया जल्दी हेलो बोलिए, अरे आप फोटो आ रहा तो दाना निकाल के देते हैं। इसका बीचा को नहीं खाना चाहिए क्योंकि पेट में पेड़ उगता है, क्योंकि पेट में पेड़ उगता है, क्योंकि पेट में पेड़ उगता है। सो छोटा सा रियूनियन फिर से, अभी मेरे साथ है क्रेज, न्यू मेंबर, तुमको सब पहले से जान रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में क्या जाना। हेलो, से हाय, हेलो टू एवरीवन। और कुछ और क्या, पहुंच के फिर बाकी सारा डिटेल्स बताएं। अच्छी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, डिटेल्स बताएं, अच्छी दिख रही है। नींबू पानी ब्रेक है, उसका थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे छालदार। अभी हम लोग हैं जोना गेट के पास। सब्सक्राइब करें, क्या क्या, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो गाइस अभी पहुंच गए हम लोग छालता हिल व्यू रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है इसे, और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अपने स्विमिंग पूल की ओर। पीछे ग्रेस है जो बहुत ग्रेस से चल रही है सेल्फी लेते हुए, और इधर श्वेता है, बाकी लोग उधर है अंदर, निखिल दादा कैमरा मैन बने हुए, निकल बड़ा वाला कैमरा लेके। हाँ इधर है रॉकी दा, पलटी मारे लगेगा, आगे बोलिए। ये अनमोल लकड़ा देख रहे हो कितना फिट हो गया, इसका पहले का फोटो डालेंगे रवि का फोटो, ये जूलियस पागल हो गया। हाय अमन, कॉल हिम काली। स्विमिंग पूल यहाँ का जबरदस्त है, एक सिनेमैटिक बी रोल में दिखाता हूँ। रुकावट के लिए खेद है क्योंकि हुआ क्या, हमारे साथ जितना भी सिनेमैटिक रिकॉर्ड किया हमने सब उड़ गया पता नहीं कहाँ। सो मोबाइल में कुछ ने वीडियोस लिया है, मैं उसको डाल रहा हूँ, सो उसे देखे थोड़ा मैनेज करें। ओके No, no, no.
और मेरे पीछे चल रहा है म्यूजिक के लिए, अभी हम भी रहेंगे म्यूजिक के लिए में, हम भी रहेंगे। तो आप विटनेस कर रहे हैं बिहाइंड द सीन, अभी गड़बड़ा गए हम, गड़बड़ा आ गए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों की मस्ती की, बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है कि आई गेस महीनों बाद हम लोग साथ में हैं, और झालदा तो कम से कम साल के बाद ही आ रहे हैं। सो इट्स ग्रेट फन। ये जो जगह है, इस जगह के बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये झालदा में पड़ता है, और झालदा पड़ता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ना, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और रांची से 90 किलोमीटर्स लगता है, अप्रॉक्स 90 मान लीजिए, 75 ऑन गूगल है, और मेरे हिसाब से बाय रोड हमको सर 90 लगता है अप्रॉक्स, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता गूगल हमेशा, गूगल आंटी हमेशा करेक्ट नहीं रहती। सो यहाँ पे बहुत बड़ा सा मेरे एक राउंड देख लीजिए पीछे, मैं इसका सिनेमैटिक शॉट अभी तो नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ले नहीं पा रहा कुछ रिस्ट्रिक्शन के कारण, बट कोशिश करूंगा मैं फिर से आऊँ और एक प्रॉपर सिनेमैटिक शॉट बनाऊँ पूरे एरिया का और आपको दिखाऊँ। सो आज तो अचानक से प्लान बना और छोटा मोटा ब्लॉग बना रहा हूँ। तो यहाँ का हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ जाना है, ऑलवेज सिंग। हेलो, एक ये राजा महाराजा का जगह हुआ करता था, और उसके बाद से जगह बंद हो गया, राजा महाराजा चले गए पीछे, ये छोड़ दिए, अब हम लोग यहाँ पार्टी करते हैं, बस इतना ही जाना, उतना हिस्ट्री किसको पसंद है यार दुनिया भर का। उसके बाद रांची से अगर यहाँ आना है तो जोन्हा फॉल, रांची के रहने वाले लोग जानते हैं, जोन्हा फॉल का जो रास्ता जाता है सीधे स्ट्रेट, कहीं नहीं रुकना है, जलते जाए जब तक आप झालदा नहीं पहुँच जाए। झालदा में पहुँच के 100 मीटर, 2-3 किलोमीटर अंदर घुस कर किसी से भी पूछे हिल व्यू रिजॉर्ट कहाँ है, तो आपको इस जगह का एड्रेस बताएगा, और आप यहाँ आए और स्विमिंग पूल में इंजॉय है कि नहीं। हाय यूट्यूब। तो यहाँ आने का मैंने रास्ता बता दिया, और ये बाई रोड था, एंड द सेकेंड चीपेस्ट वे इज, सेकेंड नहीं, फर्स्ट चीपेस्ट वे इज बाई ट्रेन। ट्रेन में आपको 10 या 15 रुपये का टिकट लगेगा, और बस उसके बाद यहाँ उतरे, यहाँ पे कोई भी ऑटो वाले को बोले कि मुझे हिलव्यू रिजॉर्ट छोड़ दीजिए, वो 10 से 5 रुपये लेगा और आपको यहाँ पहुँचा देगा। सो यहाँ का खाना अच्छा है, टेस्टी है, पूल का चार्ज है 200 रुपीज़, और आपको अगर म्यूज़िक सुनना है 1 आवर के लिए 200 रुपीज़, और आपको म्यूज़िक सुनना है तो उसके लिए 400 चार्ज करते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल कनेक्ट करिए और कुछ भी बजाइए, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सब कुछ मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको बैडमिंटन कोर्ट मिलेगा, एंड ग्रेस नहीं मिलेगी कॉम्प्लीमेंट्री, सो डोंट खुश। और पीछे क्रिकेट चल रहा है, इतना बड़ा सा गार्डन मिलेगा, जिम है ऊपर में, उधर बैडमिंटन कोर्ट है, यहाँ पे लंच डिनर प्रॉपर है, अगर आप थक जाते हैं किसी वजह से तो यहाँ पर रुक सकते हैं। एक प्रॉपर राउंड ऑफ देखिए आप, ये पूरे होटल है, कहीं पे भी आप स्टे कर सकते हैं। सो ओवरऑल 4.5 स्टार दूंगा मैं इस जगह को, समर के लिए बहुत अच्छा एंड पीसफुल, रिलैक्सिंग एंड ब्ला ब्ला जो भी है बोल सकते हैं। राजा महाराजा लोग कुछ भी बनाता है और छोड़ के जाता है, वो चीज़ अच्छा ही रहता है, आजकल का ज़माना थोड़ा करप्टेड हो गया ना, पूर्वज का दिया हुआ सब कुछ अच्छा है, सब लोगों का साथ चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। सो आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, इसी के साथ सब बोलेंगे डू यू बी यू एंड बिलीव इन यू, शेयर मिलते हैं अगले व्लॉग पे, टिल देन टाटा बाय बाय, डू सब्सक्राइब लाइक एंड लाइक द चैनल, एग्जैक्टली ज्यादा सुना करो, बाय बाय, चलिए।